अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एलएलबी पार्ट थ्री इंग्लिश जूरिसप्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है नेगलिजेंस। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नेगलिजेंस को डिफाइन करें और नेगलिजेंस के जो रेलिवेंट केस है ना वो आप डिफाइन करें। नेगलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने टॉट में हमने बेसिकली डिस्कस किया कि नेगलिजेंस क्या होती है, क्योंकि जो ड्यूटी ऑफ केयर आपने करनी थी वो आपने नहीं की तो ये नेगलिजेंस होती है। ठीक है, अब इसमें एक रेलिवेंट केस लॉ है, ठीक है, द स्टेन इन द बॉटल। इस केस लॉ को कहते हैं स्टेन इन द बॉटल, इसको कहते हैं यूके का एक केस है। अब इस केस में जो अब इंट्रोडक्शन की हम बात करें, ये फेमस केस है डोंग्यू वर्सेस स्टीवनसन, ठीक है, 1932 का ये केस है। इस सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि इसने ड्यूटी ऑफ केयर का जो कॉन्सेप्ट था ना नेगलिजेंस के अंदर उसको एस्टैब्लिश किया था। अब इसके फैक्ट्स की बात करें तो मिसेस डोंग्यू जो थी ना एक फीमेल थी, ठीक है, और वो अपने दोस्त के साथ एक कैफे में जाती है। उसकी दोस्त उसके लिए एक बॉटल लेके आती है जिंजर बियर की, ठीक है, और उसके एंड एक आइसक्रीम लेके आती है। जिंजर बियर जब वो लेके आ जाती है ना, जिंजर बियर के अंदर वो एक ऐसी नॉन ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके आती है जिसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है, और उसके कंटेंट्स क्या, उसके कंटेंट क्या है उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा होता, सब्सटेंस उसके नज़र नहीं आ रहे थे। मिसेस डोंग्यू जो है ना उसको हाफ जो उसका कंटेंट्स होते हैं ना वो जो शराब के या बियर के जो हाफ होते हैं वो उसका आइसक्रीम के ऊपर डाल लेती है, ठीक है, और आइसक्रीम को खाती है। उसके बाद कुछ सोचती है कि यार मैं इसको थोड़ा सा ना पी लूँ, वो पीती है, ठीक है। जब वो ग्लास में डालती है तो उसके अंदर ना डीकम्पोज एक स्नेल निकल आता है, ठीक है, एक मरा हुआ जो स्नेल होता है वो निकल आता है और वो इमर्ज होता है बोतल के अंदर से। अब रिजल्ट में क्या होता है कि जो डोंग्यू है ना, ठीक है, वो सफ़र करती है नर्वस शॉक से और उसको एक स्टमक पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उसको नर्वस शॉक आ जाता है, उसको पेन स्टार्ट हो जाती है और वो कहती है कि जी मैं क्लेम करूंगी जो मैन्युफैक्चरर है ना स्टीवनसन और जो कंपनी है उसके ऊपर, मैं जिंजर बियर की जो कंपनी है उसके ऊपर मैं करूँगा, कैफे के ऊपर नहीं करूँगी, ठीक है, मैं उसके ऊपर करूँगा। मिस्टर डोंग्यू वॉज नॉट एबल टू क्लेम बिकॉज शी वॉज नॉट अ परचेजर ऑफ द बॉटल, ठीक है। अब जो क्लेम था जी वो क्लेम नहीं कर सकती थी, वहाँ पे कहते हैं जी क्लेम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो उसकी दोस्त ने उसके लिए बॉटल लेके आई थी वो खुद वो बॉटल उसने वहाँ से खरीदी नहीं थी, ठीक है, उसकी दोस्त, और वो कोई पार्टी नहीं थी किसी कॉन्ट्रैक्ट की। अब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी वो होती है जो बंदा पैसे देता है और जो बंदा चीज़ देता है, वो वहाँ पर उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सेल्स का या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट उसके दरमियान हो जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उसमें आती हैं और किसी कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। डोंग्यू थी उसने अपील की जी हाउस ऑफ लॉर्ड में, पहले तो केस जी चलता रहा, नहीं हुई जी, फिर अपील उसने कर दी हाउस ऑफ लॉर्ड में उसके अगेंस्ट, ठीक है। इसने क्लेम किया कि जी है ना कि मैं, क्योंकि जी मेरा कोई भी उसमें, मैं मानती हूँ कि इसमें जी कोई मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम नहीं है, नहीं बनता, पर इसने, मैं इस केस को लाना चाहती हूँ लॉ ऑफ नेगलिजेंस के अकॉर्डिंग, मैं उसकी बेस के ऊपर इसको, क्योंकि इसने नेगलिजेंस की और ये मेरे ड्यूटी ऑफ केयर बाउंड थे इस चीज़ के। अब वो स्टीवनसन आंसर करता है जी, स्टीवनसन कहता है कि जी हम इसके डायरेक्ट सेलर नहीं हैं, ठीक है, हमने इसको डायरेक्ट, इसने हमारे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, इसने हमसे डायरेक्ट बोतल नहीं ली, ठीक है, हमने एक कैफे को दे दी थी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, हम बनाते हैं, हमने कैफे, अब वो ड्यूटी ऑफ केयर हम पे इम्पोज नहीं होती, वो कैफे पे होती है, उन्होंने कैफे से खरीदी है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डोंग्यू और स्टीवनसन के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये बात की। अब जो है ना लीगल इश्यूज उसमें अराइज हुए, ठीक है, द लॉ ऑफ नेगलिजेंस वाज वेरी नैरो, ठीक है, उस टाइम पे लॉ ऑफ नेगलिजेंस बहुत नैरो था, एंड द टाइम वाज एंड इन्वोक्ड ओनली देयर इज अ सम, और वो कहाँ कहते थे कि अब लॉ ऑफ नेगलिजेंस तब सिर्फ अराइज होगा, तब सिर्फ इन्वोक होगा जब कोई भी बंदा के दरमियान कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। अब इस केस का आउटकम क्या हुआ, पहले तो केस नहीं होती रही होती, ठीक है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 6 महीने इस केस को सुना, उसके बाद ना जी उन्होंने 26 मई 1932 को एक उन्होंने एक जजमेंट दे दी, ठीक है, देयर वाज अ 5 जजेस, ठीक है, 5 जजेस थे और उनमें से 3 जजेस ने कहा, ऑर्डर किया कि जो स्टीवनसन है ना उसको एक कंपनसेशन देनी चाहिए डोंग्यू को, क्यों, ड्यू टू ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज्ड ऑन द सेम, ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूमर है, ठीक है, उसने वो बनाता है उस चीज़ को, उस चीज़ का मैन्युफैक्चरर है, इसलिए उसके ऊपर ड्यूटी केयर इम्पोज होती है कि जो बंदा भी जो जहाँ भी हो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट द स्टीवनसन वाज रिस्पांसिबल फॉर द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स हु कंज्यूम्ड द प्रोडक्ट। कहते हैं जहाँ भी हो, जिसने भी उसे लेके दिया, उसके फ्रेंड ने लेके दिया, जहाँ उसके माँ बाप ने लेके दिया, बहन भाई ने लेके, जिसने भी लेके दिया हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर ड्यूटी इम्पोज होती है कि उसने ड्यूटी ऑफ केयर करनी है, ये उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अगर नहीं भी होंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज नहीं भी होंगी, उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होगा, तब भी उसके अंदर लायबिलिटी इम्पोज होती है, उसको कंपनसेशन करने के लिए उन्होंने इसको कहा, और इसके अंदर स्कोप ऑफ नेगलिजेंस एनहेंस, ठीक है, इसका स्कोप जो है एनहेंस हो गया यहाँ इस केस के बाद, और इसका कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया गया कि यार हर बंदे के ऊपर ड्यूटी ऑफ केयर है, चाहे उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं या नहीं है, उसके ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज होती है कि उसने करनी है, ठीक है। तो अब ये केस था, ठीक है, ये अब जो है ना नेगलिजेंस का, अगर आप टॉट के अंदर वीडियो में अगर जाना चाहें, ठीक है, उसके नेगलिजेंस की वीडियो शायद हो यूट्यूब के ऊपर, तो उसके ऊपर आपने जाके वहाँ से अगर आप नेगलिजेंस के बारे में, या वैसे भी अगर आप नेगलिजेंस का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं, नेगलिजेंस के बाद आपने रेलिवेंट केस जो है ना, अगर आपने नेगलिजेंस का अगर आपको टॉट पे भी आ जाता है तो आप वहाँ पे भी ये चीज़ का अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक प्लस पॉइंट है इस चीज़ का, और उसमें तो जो स्टूडेंट्स में तो ये एक पूरा क्वेश्चन आया हुआ है कि आप लॉ केस जो है उसमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।